सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा हॉर्नेट के बारे में। तो भाई, कंपनी ने इस गाड़ी को 184 सीसी के साथ लॉन्च कर दिया है, लेकिन भाई होंडा की जो हॉर्नेट है ये गाड़ी 125 सीसी में कमिंग सून में चल रही है काफ़ी लंबे समय से। तो आज जो है आपको इस वीडियो में आने वाली नई होंडा हॉर्नेट 2.0 125 का पूरा फुल डिटेल रिव्यू देखने को मिल जाएगा कि आपको आने वाले टाइम में होंडा की जो हॉर्नेट होगी 125 उसमें आपको कौन कौन से फीचर्स, क्या क्या अपडेट्स और क्या क्या चेंजेस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बाइक के फ्रंट से आने वाली नई होंडा की हॉर्नेट 125 के बारे में। तो भाई, बाइक का जो हेडलैम्प होगा होंडा हॉर्नेट 125 में वो आपको कंपनी LED का ही देने वाली है, जो कि आपको सेम यही लुक्स एंड डिज़ाइन मिल जाएंगे डिपर और अपर के। और बाइक के जो ब्लिंकर्स होंगे 125 में वो आपको LED के नहीं मिलेंगे, ताकि कंपनी प्राइस कम से कम कर सके। तो इंडिकेटर्स आपको मिलने वाले हैं हेलोजन के। बाकी जो है इसमें आपको हजार का फीचर मिल जाएगा, चाहे वो 184 सीसी हो या फिर वो 125 सीसी हो। बाकी नंबर प्लेट यहाँ पर प्लेस होगी और होंडा का जो ब्रांडिंग है वो तो रहेगा ही रहेगा। और अगर बाइक के फ्रंट में आएँ तो आगे कुछ ऐसे आपको मिल जाते हैं सस्पेंशन टेलीस्कोपिक के, जो कि ये 184 सीसी वाला वेरिएंट है। लेकिन भाई, जो 125 सीसी आएगी ना, उसमें आपको फ्रंट में मिलेगा सस्पेंशन टेलीस्कोपिक का, इसमें UHD आता है। बाकी भाई उसमें तो महंगा पड़ जाएगा। और फ्रंट में आपको मिल जाएगी डिस्क 125 सीसी में भी। जी हाँ भाई, 125 सीसी की बात कर रहे हैं। और जो फ्रंट टायर की प्रोफाइल है वो आपको मिलेगी 90 सेक्शन की, और डुअल पोर्ट ब्रेक कैलिपर्स आपको मिल जाएंगे, और कंपनी आपको सिंगल चैनल ABS ऑफर कर देगी। बाकी जो है आपको ABS की ब्रांडिंग मिल जाएगी, रिम पे आपको स्ट्राइप्स मिल जाएंगे, और लगभग जो है बाइक के जो बॉडी कलर्स हैं, जो डिज़ाइन है, जो ग्राफिक्स हैं, वो आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही मिलने वाले हैं आने वाली नई 125 हॉर्नेट में। और बाइक का जो लेग गार्ड है वो कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो कि आपको काफ़ी सॉलिड तो लगेगा लेकिन है नहीं। और जो बाइक का इंजन होगा वहाँ पे आपको कंपनी कुछ ऐसा ही काउल प्रोवाइड करा देगी 125 वाली हॉर्नेट में। और जो बाइक का एग्जॉस्ट होगा वो आपका नीचे से ही जाएगा, जहाँ पे आपको मिलेगा कैटलेटिक कन्वर्टर। और बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो आपको साइड माउंटेड मिलने वाला है, जो कि ऑल ब्लैक आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा। और बाइक का जो इंजन है वो रहेगा 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, जिसमें कि आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा। और ये गाड़ी आपको लगभग 125 सीसी में माइलेज प्रोवाइड कराएगी 65 से 70 का, और स्पीड जो है लगभग आपको 115 के आसपास का देने वाली है। लगभग आपको 12 BHP का पावर देगी, 11 NM का टॉर्क देगी। और जो बाइक का लुक होगा इंजन का वो आपको ऐसा ही मिलेगा लगभग, बाकी SP वाला तो इंजन नहीं आएगा। आपको भाई मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स, जो कि ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेंगे। टायर आपको मिलेंगे भाई MRF ब्रांड के। तो ये तो हो गया टायर और बाइक का इंजन और ये बेली पैन वगैरह। अब आते हैं बाइक के टैंक पे। तो भाई, जो टैंक होगा आने वाली नई होंडा हॉर्नेट 125 का, तो टैंक पे आपको मिलेगा होंडा का 3D में लोगो विंग के साथ। बाकी भाई जो है 2.0 की ब्रांडिंग आपको मिल सकती है आने वाली नई होंडा हॉर्नेट 125 में। और बाइक का जो टैंक होगा नीचे के साइड कुछ ऐसे आपको सेम हॉर्नेट के ग्राफिक्स मिलेंगे, जो कि यार बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। अगर बात करें कलर्स एंड ग्राफिक्स की, तो भाई वो आपको डिफरेंट और नए मिल सकते हैं। अगर टैंक के ऊपर के साइड आएँ तो कुछ ऐसा आपको मिल जाता है बीच का पार्ट, जो कि आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर के साथ देखने को मिल जाएगा। आपको भाई ब्रांडिंग मिल जाएगी E20 की, जो कि भाई मेंशन कंपनी ने कहीं ना कहीं कर रखा हो भाई, तो यहाँ पर कंपनी ने मेंशन कर रखी है। बाकी जो आपका की स्लॉट होगा वो आपको टैंक पे मिलेगा, दो आपको नॉर्मल सी की मिलने वाली है। तो भाई ये आपको नॉर्मल सी दो की मिलेगी, जो कि कोई वैसी वेव की वगैरह नहीं आती। तो भाई की स्लॉट आपको टैंक पे मिलेगा, बाकी इग्निशन ऑन होगी। तो कुछ ऐसा आपको कॉकपिट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको RPM, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ड्रॉप, ट्रिप वगैरह दिखा देगा। और इधर आएँ तो भाई इधर आपको मिल जाएगी स्विच, सेल्फ स्टार्ट, इंजन किल स्विच, ऑन ऑफ की, हजार्ड की। और यहाँ पर भाई कंपनी आपको पढ़ कर देगी सेल्फ स्टार्ट, हॉर्न, इंडिकेटर की। तो स्विच गियर कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो आपका फ्यूल कैप होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा राउंड शेप में, ये वाला पार्ट रहेगा एलुमिनियम प्रिंटेड और ये वाला पार्ट रहेगा मैट ब्लैक में। तो टैंक आपको मैट में मिल जाएगा, भाई ग्लॉस में भी आ सकता है, वो कलर वगैरह पे नहीं जाएंगे। और बाइक की जो सीट है
वो आपको कंपनी ऑफर करने वाली है स्प्लिट की, और जो कुशनिंग है सीट की वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी बेहतरीन है। बाकी यहाँ जो बाइक के ग्रैब रेल्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं स्प्लिट के, जो कि ये काफ़ी सॉलिड हैं, तो भाई ये भी काफ़ी मजबूत हैं। बाकी अगर टेल पे आएँ तो बाइक की जो टेल लाइट है वो कुछ आपको वैसी मिलेगी एक्स शेप में, जो कि यार ये टेल लाइट आपको काफ़ी बेहतरीन लगने वाली है। जो पीछे के इंडिकेटर्स हैं वो आपको LED के मिल जाते हैं भाई, लेकिन वो आपको उसमें अपडेटेड मिलेंगे। पीछे भाई कुछ आपको ऐसा मिल जाता है रिफ्लेक्टर, बाकी जो सी फेंडर है वो काफ़ी छोटा सा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है। बाकी भाई पीछे आपको कोई भी हगर गार्ड नहीं मिलता है, तो वो आपको मिलेगा भी नहीं। और हाँ भाई, जो 125 cc की आएगी ना हॉर्नेट, उसमें भी आपको पीछे कंपनी डिस्क प्रोवाइड करा देगी, जो कि आपको पीछे सिंगल पोर्ट ब्रेक कैलिपर्स मिल जाएंगे। और भाई जो टायर पीछे का होगा वो आपको 130 सेक्शन का देखने को मिलेगा 125 में। भाई इसमें 140 आता है, लेकिन उसमें आपको 130 का टायर देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई जो है पीछे आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे मोनोशॉक एब्जॉर्बर, जो कि एडजस्टेबल रहने वाले हैं। और भाई जो नीचे का लुक है सी फेंडर का, वो आप देख लो कि वो आपको कैसा मिलने वाला है। बाकी जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है पीछे से, वो कुछ आपको वैसा मिलेगा, जो कि यार ये ट्रायंगल शेप में आपको लगने वाला है। और बाइक के जो फुटरेस्ट होंगे पिलियन के, वो आपको मिल जाएंगे फोल्डेबल। और जो भाई होगा फुटरेस्ट राइडर का, वो भी आपको मिल जाएगा फोल्डेबल। और जो साइड के पैनल्स हैं वो आपको मैट ब्लैक में मिलेंगे, और ये बिल्कुल ही प्लेन ब्लैक में रहने वाले हैं, कोई भी आपको ग्राफिक्स वगैरह नहीं मिलते हैं। बाकी अगर इधर आएँ तो भाई कुछ ऐसा आपको मिल जाता है साड़ी गार्ड लेडीज़, फुटरेस्ट बाई कंपनीज में आपको देती नहीं है, लेकिन वो आप लगा सकते हो। TVS की RTR अपाची 162V का, तो भाई वो आप इसमें इंस्टॉल करा लेना, वो लग जाता है हर एक बाइक में भाई, वो यूनिवर्सल होता है। और बाइक का जो चैन सेट है वो आपको काफ़ी छोटा मिलेगा भाई, जो कि FZ से थोड़ा सा बड़ा है। और इसकी जो चैन है वो आपको काफ़ी पतली मिलती है, तो भाई ये थोड़ा सा गलत है। बाकी जो भाई गाड़ी में आपको मिलेगा सिंगल स्टैंड, डुअल स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ स्विच का फीचर। और बाइक का भाई जो गियर लीवर है वो आपको सिंगल रॉड पे माउंटेड मिलेगा, और फुट पे जैसे आपको वही फोल्डेबल मिल जाएंगे। स्विंग आर्म जो है भाई इसमें आपको मिल जाता है लोहे का, तो लेकिन कंपनी को ये एल्यूमिनियम का कर देना चाहिए। बाकी जो है भाई सीट का की स्लॉट आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि आप देख लो। ओवरऑल जो है भाई बाइक का जो पूरा लुक है वो आप एक फ्रेम में चेकआउट कर लो कि ये बाइक आपको कैसी लगने वाली है। बाकी यार भाई जो अभी भाई मौजूद है ये भी काफ़ी बढ़िया है, और जब 125 cc आएगी तो और भी बढ़िया हो जाएगी। बाकी भाई होंडा के पास और भी बहुत सी बाइकें हैं 125 cc में, तो भाई आपको SP मिल जाती है, शाइन मिल जाती है, लीवो मिल जाती है 110 cc में, तो भाई होंडा के पास बहुत सी बाइकें हैं। लेकिन भाई 125 cc में स्पोर्ट्स बाइक होंडा के पास नहीं है, तो वो तो लॉन्च होना बनता है। बाकी भाई जो होंडा की नई 125 cc की हॉर्नेट आएगी, उसका जो प्राइस होगा एक शोरूम, वो आपको 1.10 से 1.20 लाख रुपीज़ के आसपास तक का एक शोरूम मिल सकता है। और जो लॉन्च है भाई वो आपको आने वाले टाइम में जल्द ही मिलेगा, तो भाई चाहो तो वेट कर लो आने वाली नई होंडा की हॉर्नेट 125 का। तो भाई जो वीडियो है लाइक कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।